नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनाला। आज गांव किनाला के अंदर दो ऐसी गुड़ियां हैं, अगर कह सकते हो एथलेटिक्स में पटना बिहार, बिहार पटना से गोल्ड मेडल जीत के लेके आई है, सिर्फ और सिर्फ 80 मीटर की रेस में। सिर्फ छोटी ही बच्ची है, ये नहीं कि कोई ज़्यादा उम्र की है या कुछ और है, ना भाई कोई अमेल्ले की लड़की, ना किसी मंत्री की लड़की, सिर्फ और सिर्फ एक गरीब किसान की बेटी है। जिस भी बहन या भाई के मन में एक क्वेश्चन है ना कि अगर हम गरीब है, हमारा परिवार गरीब है, भाई हम किसी खेल में जा सकते या शिक्षा में नहीं जा सकते, तो अपने मन से डाउट निकाल दे, क्योंकि आज मैं आपको उन दो ऐसी हस्तियों से मिलाने जा रहा हूँ जिसका परिवार एक बिल्कुल किसान से बिलोंग करता है, बिल्कुल किसान, गरीब किसान। राम राम जी, क्या नाम आपका? पलक। और आपका? पायल। पायल, यह बात मनु जोश में तो नहीं बोल दी, आप एक किसान की बेटी हो? वो तो किसान की बेटी है। किसान, सच्चाई है या? भाई साहब, यह मजाक कुंदा भी हकीकत है, ये दोनों एक किसान की बेटी है और गांव किनाला के अंदर पहली बार नहीं, पहले भी ऐसी बहुत बहन हुई है, भाई हुई है जो गोल्ड मेडल लेके आई है, लेकिन शायद इनकी उम्र में ये पहली ऐसी लड़की है जो किनाला पंचग्रामी के अंदर ये मेडल लेके आई है। किस चीज़ में मेडल लेके आई हो आप? 80 मीटर। थोड़ा ऊंचा बोलो, सुनते सुनती है, ये भी आपकी तरह है। 80 मीटर फ्लैट रेस थी। और आप? हेक्साथलॉन में। ये खेल कौन सा है? ये एथलेटिक्स में आता है, इसमें 6 इवेंट होते हैं। 6 इवेंट होते हैं। जो भी भाई है बहन है, मैं घर बैठ कर तो नहीं सोचा है, जिस प्रकार आज यहाँ पे हो भाई, इनकी जगह हम भी होते, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता, जाना कैसे है, कहाँ तक जाना है, उनको थोड़ा रास्ता बताने का कष्ट करोगे? ग्राउंड, हम पहले ग्राउंड पे आए, कोच ने हमें सिखाया, फिर हम उसकी बताया जो उसने, उसकी लाइन पे चलते गए और फिर हम इस मुकाम पे आज। आपकी भी यही सिचुएशन है जी? सेम है? या तो नहीं इसकी सुनकर बस नुए हाँ हाँ करा है? नहीं जी, हम भी ग्राउंड पे स्टार्ट किया था, जो गुरु की हमने राय सुनी, फिर हमें उस, आज हम उस पहुंच गए। गुड़िया, अगर एक बात पूछूं आज का टाइम की, हर माँ बाप आपकी बेटी खातर ने सोचा है कहीं ना कहीं जाके किसी का शिकार नहीं हो जाए, तो अपनी गुड़ियों को घर रखा है, कुछ माँ बाप है आज भी इसके अंदर है, लेकिन कुछ माँ बाप की सोच है कि अपनी बेटियों को शिक्षा और खेल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेने दे है, तो जो नींद लेन देन लग रहे उन ती आप क्या कहना चाहोगे? बेटियों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए भाई, और आज लड़का लड़की को एक समान मानना चाहिए, क्योंकि लड़की है, आज लड़कों से भी अच्छे वो प्रोग्रेस करती है और आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही, आज का टाइम वो नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है, लड़कियां लड़कों से ज्यादा एक्टिव है आज के दिन, चाहे पढ़ाई का मामला हो, नौकरी का मामला हो, यहाँ तक कि चाहे राजनीति का भी मामला हो। तो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने पंचग्रामी के लिए, जो आज आपका मान सम्मान होया है, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं रही? नहीं, कोई नहीं रही, और जो हमारे कोच है संदीप कुंडू सर, हमारे इस ट्रैक पे तैयारी करवाते हैं, हम रोज आते हैं ग्राउंड पे, और आज हम उस पर। दोस्तों, आप नहीं सोच दोगे भाई सा कोच शायद हमने भी मिल जाए, हम भी गोल्ड मेडल जीत लिया, तो आज आपने उस कोच से ही मिलवावांगे। ये है ये गांव किनाला की संदीप कुंडू। राम राम भाई साहब। भाई साहब राम राम। सिर्फ गांव किनाला की लड़कियों को ट्रेनिंग करो या फिर भाई कहीं से भी कोई भी आओ? कहीं से भी आ जाओ, निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर, कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी जहाँ तक भी जितनी भी हमारी मतलब हो सकता है हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आपका खर्चा कौन है या फिर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है? नहीं नहीं, जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसका खर्चा नहीं लेते हम, उसका खर्चा नहीं देते। और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे भाई उनके घर वाले थोड़े मतलब ज़रूरतमंद ही लगाइए आप, हाँ। जूते दे सकते, दो एक दो बच्चा जैसा भी है उनको, जहाँ भी हेल्प होती है हम करते भी हैं, और हमारे गाँव की जो पंचायत है वो भी करती है, और हमारी खेल कमेटी वो भी करती है। अगर बात करें इस गांव किनाला के ग्राउंड की, इसके अंदर आपके पास आज के टाइम में कितने बच्चे हैं? बच्चे तो काफ़ी हैं, यहाँ पर कबड्डी के भी ग्राउंड चलते हैं, नेशनल कबड्डी के, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के, एथलेटिक्स भी चलती है। सिर्फ ये दो बच्चे गोल्ड मेडल लेके आई है, इससे पहले कोई और बच्चा भी आपके द्वारा जो ट्रेंड किया? काफ़ी बच्चे मेडल आ चुके हैं, और जो छोटी प्यौध खड़ी है ये सारे कहीं ना कहीं मेडल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, सारे बच्चों के पास मेडल है। बिल्कुल,
कोच साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आप कैमरामैन तक एक बार जरूर दिखा दे। ये वो हस्ती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल का भी है क्या कोई खिलाड़ी इसके अंदर? अभी इंटरनेशनल का? इंटरनेशनल नहीं है जी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की ये वो हस्ती है जो गोल्ड मेडल जीत चुकी है। इनकी उम्र देख सको आप, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये छोटी ही उम्र में इतने गोल्ड मेडल जीता है तो आप देख सको आगे आने के टाइम में शायद अलमारी भर देगा गोल्ड की, इतना सोना कर देगा हरियाणा के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी कोई ध्यान नहीं देने लग रही। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर इतना सोना टैंग रखा छोरी निकल में, लेकिन उसके एक ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग दी जाती क्यों दी जाती? कहीं ना कहीं अपनी सरकार की कमी है। अगर सरकार पूर्ण रूप से खेल के ऊपर अगर ध्यान दे, हरियाणा के अंदर आज भी वो हस्तियाँ मौजूद है जो विदेशी सोना अपने भारत के अंदर हरियाणा के अंदर जमा कर सकती है। कोच साहब, आप लास्ट में उन माता पिताओं से क्या कहना चाहोगे जो आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों के मामले में दबे हुए हैं, अपनी लड़कियों को खेल के अंदर नहीं जाने देती? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं तो उसको एक खिलाड़ी मानता हूँ और सभी माता पिता से एक अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ना ग्राउंड से जोड़िए, क्योंकि ऐसा समय आ चुका है हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ही बड़ी दिक्कतें आएंगी आगे, तो आप ग्राउंड से जुड़िए। और चाहे वो लड़का और चाहे लड़की हो, अगर आप ग्राउंड पे आ गए तो न आप लड़का हो न लड़की हो, आप एक खिलाड़ी हो। और एक खिलाड़ी मेरे हिसाब से न गाँव का होता है, वो पूरे देश का होता है। और मैं जो छोटे बच्चे हैं और जितने भी मेरे कोच साथी हैं, चाहे वो भाई गुवांड से हो या पूरे हिसार से हो, हरियाणा से हो या इंडिया से हो, भाई छोटे बच्चों को जहाँ तक भी हो सके एक मनोरंजन के तौर पर खेल विधि से खिलाएं, उनको ज़्यादा हार्डवर्क ना करें, क्योंकि अगर हम उनको अभी ज़्यादा हार्डवर्क करवाएंगे तो एक लेवल पर जाते जाते शायद इनका वो एक जो खेल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे छोटे बच्चों से भी यही कहूँगा कि आप आइए रेगुलर और मनोरंजन से, जैसे खेल विधि होती है उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी कीजिए और एक लेवल आने पर आपको एक अच्छे स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। कोच साहब, कुछ जो भाई वीडियो देखने लग रहे हैं, इनके माइंड में को खिलाड़ी भी होगा शायद, एक बात आंदी होगी कि आपसे संपर्क किस प्रकार किया जाए, तो आपसे संपर्क किस प्रकार करिए? संपर्क तो जी पहली बात तो भगवान की दया से सारे टूर्नामेंट में जहाँ वहाँ ठीक संपर्क से है, और फिर भी जो संपर्क करो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जो भी खिलाड़ी इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।